Hello, good morning everyone. Today we will start moving charges and magnetism, chapter 4 for a class 12th physics. Moving charge means the charge is moving, not a static, and which produces current. And magnetism ke bare mein bola jata hai ki when a current carrying conductor placed in a space, then it exert a magnetic field. तो एक बार इसका introduction पढ़ लेते हैं. Moving charges and magnetism होती क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Moving charges के बारे में और magnetism के बारे में. Okay, तो introduction में है, both electricity and magnetism have been known for more than 2000 years ago. Means electricity और magnetism हम 2000 साल पहले से हम इसको जानते हैं. आई थिंक 200 ईयर्स अगो, देयर इज अ नो 200 ईयर्स अगो. ओके, सो इन 1820 दैट इज वाज रियलाइज दैट दे वर इंटीमेटली रिलेटेड. और हमें 1820 में साइंटिस्ट ने ये रियलाइज किया कि दीज टू फैक्ट्स और दीज टू प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करती हैं. नाउ इन ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट, एक ओरिएस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस. अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो मीन्स मूविंग चार्ज विच एग्जर्ट अ मैग्नेटिक फील्ड, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में. ओके, ये एक स्पायरल मैग्नेटिक फील्ड है. कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि कंडक्टर कैसा है. ओके, तो अगर सर्कुलर होता है तो इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होती है, लेकिन एक जनरल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, और मैंने यहाँ पर एसी सप्लाई दी है क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. नाउ इन 1864 द लॉज ओबेड बाय इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स मैक्सवेल हु देन रियलाइज्ड दैट लाइट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इन 1864 एक लॉ ओबेड हुआ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, वर यूनिफाइड, एक समानता पाई गई, एंड फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स मैक्सवेल. किसने फॉर्मुलेट किया? जेम्स मैक्सवेल ने, हु देन रियलाइज दैट लाइट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो उन्होंने बोला कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स विच हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ. तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, सोर्स एंड फील्ड. फील्ड तो वही है हमारी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, एंड सोर्स जिससे प्रोड्यूस होता है वो सोर्स होता है. इन चैप्टर वन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, द चार्ज क्यू और द चार्ज क्यू प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर कोई पॉइंट चार्ज है एक डिस्टेंस के बीच में प्लेस कर रहा है, द सोर्स ऑफ फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. यानी जो सोर्स हैं Q1 एंड Q2 क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, E. तो आप देख सकते हैं Q1 एंड Q2 आर, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड. और नाउ हमने इसको कन्वर्ट कर लिया वेक्टर फॉर्म में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q1 Q2 आर कैप मींस यूनिट वेक्टर ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज द वैल्यू ऑफ के. और ये किस पर डिपेंड करता है? मैंने बताया था शुरुआत में, विच इज डिपेंड अपॉन मीडियम. नाउ वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर, किसके अलोंग है? वो आर है. एंड फील्ड ई इज अ वेक्टर फील्ड. क्या है? वेक्टर फील्ड, वेक्टर है. ए चार्ज क्यू इंटरेक्ट्स विद दिस फील्ड. अगर कोई चार्ज क्यू है, अगर इस फील्ड से इंटरेक्ट करता है ई से, एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ. और यानी क्या, चार्ज क्यू और ई
आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो उसको फोर्स बोलते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, वेयर क्यू एंड ई तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू आर कैप अपॉन 4π ε₀ का होल स्क्वायर। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, एक स्पेस है मैग्नेट के अराउंड, एक एक्सपीरियंस फोर्स हो जाती है और करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है अराउंड विच इफेक्ट्स बी एक्सपीरियंस, एक मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है स्पेस में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो सकती है, या जो मैग्नेट रखी हुई है स्पेस में वहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो सकती है। देन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऐसा यूनिट इज टेस्ला टी और वेबर पर मीटर स्क्वायर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया था मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अ चार्ज कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इन मोशन, अगर ये मोशन में हो तो। मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो इंट्रैक्ट विद मूविंग चार्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी किससे इंट्रैक्ट होती है, मूविंग चार्ज से, यानी बी इज़ इक्वल्स टू ई, कुछ रिलेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स क्या होती है, अज्यूम अ पॉइंट चार्ज क्यू, अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है मूविंग विद दैट वेलोसिटी वी और वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, एंड लोकेटेड एट आर, कहाँ पर लोकेटेड, एट आर गिवन टाइम टी इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक ई आर एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उस पर जो फोर्स होगी, ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ड्यू टू बोथ डैमेज, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ई आर प्लस वी इंटू बी आर, मीन्स उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एल्जेब्रिक सम होगा। तो ई आर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, एंड बी आर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। सो आज के लिए इंट्रोडक्शन भी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।